भाजपा ने नगर पालिका पर 145 करोड़ रुपए के बजट का दुरुपयोग का आरोप लगाया है, तो इस बारे में क्या कहेंगे? मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि ये जो भाजपा का नेता है, जो अपने आप को भाजपा का नेता समझता है, और मैं तो मेरे हिसाब से तो इसको भाजपा का नेता कहना भी उचित नहीं मानता, क्योंकि जब भाजपा को इसकी ज़रूरत पड़ी, जब ये भाजपा के सिंबल पे ये पंचायत समिति मेंबर का इसने चुनाव लड़ा और जीता, जो भाजपा के पास 15 मेंबर होते हुए भी उनका प्रधान नहीं बना, और हमारा 12 सदस्य हमारे पास होते हुए भी कांग्रेस का प्रधान बना, तो उस समय इसने क्या किया वो नौलड़ का प्रत्येक नागरिक जानता है। तो ये मैं तो आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि ये जो अपनी पार्टी का सगा नहीं हुआ वो हमारे ऊपर क्या आरोप लगाएगा, जब पार्टी ने इन लोगों को इज्जत दी, जिसके नाम से ये अपनी दुकानें चला रहे हैं, और उसके ये खुद उसको जब पार्टी को अपनी साख बचाने की इन लोगों की जरूरत पड़ी, तब ये लोगों इन लोगों ने पार्टी के पीठ में छुरा घोंपने का जो काम किया, तो ऐसे लोगों को क्या तो पार्टी विश्वास करेगी और क्या नवलगढ़ की जनता इन लोगों पर विश्वास करेगी, क्योंकि पार्टी कोई भी पार्टी हो, उस आदमी को अगर आगे राजनीति में बढ़ना है तो पार्टी उसमें महत्वपूर्ण होती है। जो अपनी पार्टी का नहीं हो सका, जिसने प्रधान के चुनाव में क्या किया, पार्टी के साथ जो कुठाराघात किया, जो धोखा किया, तो धोखा देना तो इन लोगों की प्रवृत्ति में है, झूठ बोलना इनके नेचर में है, तो ये सब लोग ये झूठे आरोप लगा रहे हैं कि नगर पालिका ने 145 करोड़ रुपए का दुरुपयोग किया। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि पहली बात तो इससे ही पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि 145 करोड़ रुपये आए काहे के, पहले ये तो जनता को बताए। अब इसने जैसे मैंने आप लोगों के पेपर वगैरह में देखा या व्हाट्सएप वगैरह पे उसके ऑडियो देखे, तो ये कह रहा है कि इसमें सीवरेज का बजट इंक्लूड है, तो इस महानुभाव को ये नहीं पता है कि सीवरेज का 105 करोड़ रुपए का फर्स्ट फेज का सीवरेज सेंक्शन हुई, और सीवरेज के अंदर फिर टेंडर हुआ तो वो कुछ बिलो रेट में हुआ, तो 92 करोड़ रुपये सीवरेज का हुआ, उसमें से नगर पालिका को आज तक 33 करोड़ रुपये मिले हैं, और 33 करोड़ रुपए में से 20 करोड़ रुपए का ही नगर पालिका ने आज तक भुगतान किया है, और 20 करोड़ रुपए में हमने 70% काम सीवरेज का नवलगढ़ में आप सब लोगों के सामने कवर हो चुका है। तो इससे ये पूछना चाहता हूँ कि जब 20 करोड़ रुपया ही खर्च हुआ है 105 करोड़ में से, तो दुरुपयोग कहाँ से हो गया? 105 करोड़ रुपये में से 20 करोड़ हुए तो 85 करोड़ रुपये तो हमें मिले नहीं अभी तक यहाँ आए नहीं, तो उसमें से दुरुपयोग किसका दुरुपयोग हो रहा है? दूसरा, ये मैंने उन पेपरों में देखा है कि ये 13-14 का बजट दिखा रहा है राज्य सरकार का, 14-15 का, तो 13-14 का ये बजट दिखा रहा है, 14-15 का दिखा रहा है, मैं तो बढ़ाई 15-16 में हूँ, हमें तो अभी तक 3 साल भी पूरे नहीं है, उसमें भी अभी 8-10-15 रोज अभी कम है, तो हमारे पास तो 3 साल का ही बजट आया है, बजट भी 189 नगर पालिकाएँ ULB पूरे राजस्थान में हैं, उनमें जो बजट आता है, जो राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की जो मद यहाँ आती है, उसके अलावा अगर कोई बजट आया है तो ये बताएं, इनकी नेतागिरी तो तब माने, इनको नेतागिरी अलग से कोई बजट लाते, अलग से किसी योजना की ये घोषणा करते और वो काम करवाते, इन लोगों के पास कोई काम नहीं है, न इनकी पार्टी में कोई चलबल है, न इनका कोई जनता में कोई अस्तित्व है, ये लोग सिर्फ झूठे आरोप मेरे माध्यम से विधायक जी पे आरोप लगा के ये सुर्खियां बटोरना चाहते हैं कि हमने विधायक पे आरोप लगा दिया। अरे भैया, विधायक पे आरोप लगाओ, लेकिन लगाओ तब जब विधायक ने कुछ किया है या चेयरमैन ने कुछ किया है, क्योंकि आज मैं कुछ करता हूँ या मुकुंदगढ़ चेयरमैन कुछ करते हैं तो भी आप विधायक जी पे आरोप लगा सकते हैं, क्योंकि हम सब लोग एक टीम के सदस्य हैं, हमारी टीम में अगर एक व्यक्ति कोई गलत काम करेगा तो उसका पूरा असर विधायक जी पे आएगा, लेकिन आरोप तब लगाओ जब हमने कुछ काम गलत काम किया है, हमारी टीम ने कोई गलत काम किया है, और ये कह रहा है कि दुरुपयोग किया, तो ये कम से कम ये तो बताए कि इस चीज़ में दुरुपयोग किया है। अभी तक 20 करोड़ रुपए लगाए सीवरेज में। इसके अलावा मुख्यमंत्री जी की बजट घोषणा के अंदर जो रोडे यहाँ 3 रोडे जो अपने हमारे काम चल रहा है यहाँ, क्या ये मुख्य रोडे नहीं है? इनसे पूछना चाहता हूँ मैं इसे, क्योंकि अपने बदराना जोड़ा से लेके जोकीराम जी के कुएं तक उसी रोड के ऊपर अपना आज हमारे नवलगढ़ का सेटेलाइट हॉस्पिटल उसी रोड पे है, क्या शहर से सीधा छोटा बस स्टैंड वो रोड जाती है, सीधी हाईवे पे वो रोड जाती है, क्या वो मुख्य रोड नहीं है? उस रोड को बनाना क्या हमने गलत काम कर दिया उस रोड को बना के? क्या ये अपनी नगर पालिका से लेके PWD तक जो शहर की एकदम मुख्य रोड है, जो लाइफ लाइन, ये बोलता है लाइफ लाइन, अरे लाइफ लाइन कोठी रोड है लेकिन ये भी लाइफ लाइन रोड है, तो इस ये क्या रोड नहीं है? क्या रामदेव जी के मंदिर से बकरा मंडी तक ये रोड मुख्य रोड नहीं है? क्योंकि आज शहर की जितनी भी प्राइवेट बसें हैं
रामदेवरा से बकरा मंडी होते हुए ही बावड़ी गेट चुना चौक आगे जाती हैं। तो ये इसको ये पता नहीं है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको योजनाओं के बारे में भी पूरा पता नहीं है, क्योंकि इन्होंने किसी योजना को सफल बनाने में आज तक योगदान दिया है क्या? आपके सामने सरकार की, जैसे अपने प्रधानमंत्री जी की स्वस्थ भारत मिशन एक बहुत बड़ी हमारे देश की योजना है, उसके अंदर हम राजस्थान में हम 11वें नंबर पर नवलगढ़ नगर पालिका रही है, हमारे ज़िले में हम टॉप स्थान पे एक नंबर पे रहे हैं। क्या हम लोगों ने दुरुपयोग किया होता तो क्या हम आज राजस्थान में 11वां नंबर, जो अपने आप में एक सम्मानजनक पद पर हम रहे, उस पर रहे हैं, नंबर पर रहे हैं। जिले में हम इनकी अन्य बीजेपी की अन्य खूब नगर पालिकाएँ यहाँ बीजेपी के चेयरमैन बैठे हैं, वो क्यों नहीं आए? क्यों? लेकिन हमारा ध्येय नहीं है, सरकार किसी की भी हो, केंद्र में बीजेपी की सरकार, राजस्थान में बीजेपी सरकार, योजनाएं तो गवर्नमेंट ही बनाएगी, और उन योजनाओं को उनको फलीभूत करना, उनका लाभ जनता तक पहुँचाना, ये स्थानीय निकायों का काम है। और उसे हमने, ये झूठ नहीं बोल रही, आपके पास ये सब तथ्य हैं, ये हमने उनको इनके चेयरमैनों से ज़्यादा, इनके नेताओं से ज़्यादा हमने फलीभूत किया है, उनको उनका लाभ जनता तक पहुंचाया है। आज स्वच्छ भारत मिशन में हम टॉप क्यों रह पाते अगर हम काम नहीं कर पाते करते तो? आज जैसे इसके अलावा NULM की जो स्कीम है, NULM की स्कीम है, उसमें हम जिले में टॉप कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं भैया? अगर हम काम ही नहीं करते, हम दुरुपयोग ही करते हैं तो क्यों कर रहे हैं? और या इन्होंने ये बताइए कि जैसे यहाँ शौचालय बन रहे हैं, केंद्र सरकार का और राज्य सरकार की योजना है कि हर शहर में दो दो आधुनिक शौचालय बने, हमने शौचालय बनाने का खूब प्रयास किया, लेकिन जहाँ भी जाते ये लोगों को, वहाँ की पब्लिक को गुमराह करके उकसा देते हैं कि यहाँ शौचालय नहीं बनना चाहिए। ये मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि ये भाजपा के भी सगे नहीं हैं, ये भाजपा की भी जो पार्टी की जो योजनाएँ हैं, जो जनता को लाभ पहुँचाने वाली योजनाएँ, उनको भी ये विफल करने में लगे हुए हैं। क्या इन्होंने एक बार भी स्वच्छ भारत मिशन में इन्होंने सहयोग किया? क्या यहाँ इन्होंने लोगों को मोटिवेट किया कि झाड़ू लगाओ? क्या इन्होंने लोगों को मोटिवेट किया कि आप खुले में शौच मत जाओ? हम लोगों ने मोटिवेट किया, हमारे कर्मचारियों ने मोटिवेट किया, क्या बिगाड़ा था हमारी यो ने इन लोगों का? एक एक हमारी एक ईमानदार यो जो आज हर योजना में पूरी निष्ठा और कर्मठता के साथ उसने काम किया, उसको इन्होंने बेवजह APO करवा दिया। अरे भाई, APO भी कराओ तो कोई कारण तो होना चाहिए कि इस तरीके से हमने APO करवा दिया। लेकिन कोई बात नहीं, प्रशासन का काम है, इसमें मैं ज़्यादा नहीं जाना चाहता, क्योंकि ये राज्य सरकार का अपना काम है कि इसको यहाँ यो लगाता है, किसको नहीं लगाते हैं। और सीवरेज के बारे में मैं कहना चाहता हूँ, ये लोग कह रहे हैं कि सीवरेज का काम बंद पड़ा है, सीवरेज में हमने 70% काम कर दिया। और मैंने कई बार माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, माननीय हमारे UDH के मंत्री महोदय को, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी को, DLP डायरेक्टर महोदय को और हमारे कलेक्टर साहब को मैंने कितनी बार पत्र लिख दिए कि जब से यहाँ सीवरेज का काम चला है, यहाँ न तो कोई परमानेंट अभी तक कोई एक्शन लगा है, ना कोई IN लगा है, तो क्या टेक्निकल नॉलेज मुझे है क्या? तो मैं इसकी मॉनिटरिंग करूँ? मैं तो ये देख सकता हूँ कि काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, लेकिन टेक्निकल जो चीज़ें हैं वो तो टेक्निकल अधिकारी ही देख सकते हैं। लेकिन आज तक इन लोगों को, अगर ये इनको इतनी चिंता है कि सीवरेज हम लोगों ने ये लाए हैं, तो ये यहाँ परमानेंट अधिकारी लगाते ताकि उसका अच्छी तरीके से हम, और भी काम बहुत अच्छी तरीके से, और फिर भी लेकिन टेक्निकल अधिकारी होते तो और बहुत बढ़िया तरीके से उसको काम को कर पाते। और एक बात ये देखो, एक तरफ तो ये कहते हैं कि सीवरेज हम लाएँ, इन्होंने उद्घाटन करवाया माननीय मंत्री महोदय से, दूसरी तरफ शहर में अगर कोई खड्डा खुद जाता है तो ये कहते हैं कि राजकुमार ने खड्डा खुदवा दिया। अरे यार, अपनी नीति तो स्पष्ट कर लो कि सीवरेज आप लाए हो या डॉक्टर राजकुमार शर्मा लाए हो। मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये डॉक्टर राजकुमार शर्मा का और हमारी पूरी टीम का सपना था कि नवलगढ़ में एक सीवरेज बने। अब सीवरेज बनेगी तो खड्डा तो खुदेगा ही, और ये इनके पास अगर कोई अलग टेक्नोलॉजी है कि उसको हवा में, उसको आकाश में ले जाएं, तो ये वो टेक्नोलॉजी बता दें, उस तरीके से ले जाएंगे। लेकिन अगर सीवरेज पड़ी है, उसको जनता का लाभ होगा, तो एक बार खड्डा तो खुदेगा। लेकिन जहाँ भी इनको छोटा सा खड्डा खुद दिख जाता है, ये कहते हैं राजकुमार ने तो खड्डे खुदवा दिए। अरे यार, ये कोई बात थोड़ी है। योजना राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की कोई भी योजना अपन लागू करेंगे, उसका काम करवाएंगे, तो एक बार तो थोड़ी बहुत समस्याएं भी हमें, उनका भी फेस करना पड़ेगा। रही बात कोठी रोड की, क्योंकि कोठी रोड पे ये लोग कह रहे हैं कि कोठी रोड पे मुख्यमंत्री जी आई थी, उस समय हमने गौरवपथ की घोषणा करवाती थी। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि उस समय हमने भी देखा कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने
गौरवपद के लिए उस समय कहा था, लेकिन उसकी सेंक्शन कहाँ है? क्या उसकी सेंक्शन पीडब्ल्यूडी के पास है या नगरपालिका के पास है? नगरपालिका के पास तो कोई नहीं है सेंक्शन। मैंने पीडब्ल्यूडी के अधिकारी से पता कर लिया कि हमारे पास कोठी रोड का अभी तक कोई गौरवपद का कोई सेंक्शन हमारे पास नहीं है। ये एकदम झूठा आदमी है, झूठ बोलता है, और मेरे माध्यम से ये विधायक जी पे आरोप लगा के अपने आप को विधायक का बड़ा दावेदार घोषित करना चाहता है। तो मैं इससे कहना चाहता हूँ कि अगर तू विधायक का चुनाव लड़ना है तो लड़ो। विधायक का चुनाव लड़ना हर हर भारतीय का, हर हर नागरिक का एक अधिकार है कि मैं चुनाव लड़ूं। चुनाव लड़ो, लेकिन जनता के काम करो। किसी पे आरोप लगा के आप चुनाव में मत आओ, क्योंकि ये जनता है, सब कुछ जानती है कि किसने क्या क्या काम किए। आप लोगों ने तो अपनी पार्टी के साथ ही तो प्रधान के चुनाव में इतना बड़ा घोटाला है, कह सकते हैं इसको घोटाला आप लोगों ने किया है या धोखा दिया है। हम लोगों ने धोखा नहीं दिया है, हमने आज तक जो जो घोषणाएं की हैं वो पूरे काम किए हैं। और आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जब से 3 साल मुझे यहाँ बने हुए हैं, तो जब से मैं बना हूँ डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी का, हमारे आदरणीय विधायक साहब का यही रहा है मेरे को आदेश कि नवलगढ़ में 35 के 35 वार्डों में 36 कौम का हमें काम करना है, और हमने 36 कौम का काम किया है। उसके लिए मुझे कोई प्रूफ देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप भी इन्हीं वार्डों में रहने वाले हैं। आप बता दीजिए या इस वार्ड में काम नहीं है, और शायद ही नवलगढ़ एक ऐसी नगर पालिका है जहाँ कोई पक्ष विपक्ष नहीं है, हम सब पार्षद मिलकर काम करते हैं। नवलगढ़ जो भी समस्या होती है उसे भाजपा और कांग्रेस या हमारे निर्दलीय सब पार्षद हम मिलकर उसका समाधान करते हैं। हम एक दूसरे पे कभी कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं करते, क्योंकि हमें 35 के 35 वार्डों का काम करना है। और मैं खुद सभी पार्षदों को मेरे को साथ लेके चलता हूँ। आज आप देख लीजिए खटिकों का मोहला, वहाँ के लोग कहते हैं कि आज़ादी के बाद पहली बार हम स्वस्थ हवा में सांस ले रहे हैं। आप देख लीजिए रेगड़ों का मोहला, आप देख लिए मेघवंशियों का अम्बेडकर पार्क के पास उनका मोहला। कौन से मोहल्ले में हमने काम नहीं किया? हमने इतनी नालियां बनाई, इतनी रोड बनाई है कि हर वार्ड का जहां भी जाता हूं, इस व्यक्ति के अलावा, इस व्यक्ति ने पहले भी मेरे ऊपर खूब आरोप लगाए कि चेयरमैन ने ये कर दिया। तो मैं आप इतने दिन में नहीं बोल रहा था, क्योंकि एक 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 व्यक्ति की सहन करने की एक क्षमता होती है। और लेकिन मैं आज आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, और इस तक भी एक बात पहुँचा देना चाहता हूँ, और जनता के बीच भी पहुँचा देता हूँ कि ये लोग मेरे से, इनकी व्यक्तिगत ये रंजिश है, व्यक्तिगत ये लोग ये चाहते हैं कि एक ये फूलवाड़ा कहाँ नवलगढ़ का चेयरमैन बन गया, क्योंकि मैं एक गरीब परिवार का फूल बेचने वाला एक डॉक्टर राजकुमार शर्मा का एक सामान्य सा कार्यकर्ता जो आज जिसको जिसके कंधों पर आज पूरे नवलगढ़ की जिम्मेदारी डॉक्टर राजकुमार शर्मा ने, हमारे सभी पार्षदों ने और नवलगढ़ की जनता ने दे दी है। तो ये चीज़ इन लोगों के पच नहीं रही है, क्योंकि ये कहाँ गढ़ वाले और मैं कहाँ एक फूल वाला। तो इन लोगों के ये नहीं मित्र है कि एक सामान्य से परिवार का व्यक्ति और आज ये राजनीति में इतना आगे है, जनता इसको इतना प्यार करती है। लेकिन मैं इसको बता देना चाहता हूँ कि भैया, जनता का अगर प्यार लेना है तो जनता के बीच जाओ और जनता के काम करो, झूठे आरोप मत लगाओ। झूठे आरोप लगाओगे तो जनता ने पहले भी आप लोगों को जवाब दिया है, आगे भी जनता आप लोगों को जवाब देगी, क्योंकि ये पब्लिक है, सब जानती है।